हेलो दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हो और आपका कुछ रिफंड आने वाला है तो आप रिफंड स्टेटस आज के दिन चेक कर सकते हो। तो कैसे आप अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करेंगे, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गूगल में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेक रिफंड स्टेटस। और फिर आपके सामने NSDL का वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आपको उस लिंक में क्लिक करना है। वो लिंक में क्लिक करने से आपका जो रिफंड का जो रेस्पेक्टिव शेड्यूल है उस पेज में लेके जाएंगे। और उसके बाद आपको ये जो पेज आने वाला है, यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर और कौन सा असेसमेंट ईयर, देखिए यहाँ पे पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट का पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डाल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या रिफंड स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर असेसमेंट ईयर लिखा है। यहाँ पे अगर आपका रिफंड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है तो डायरेक्ट क्रेडिट बोल के दिखाएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाएगा और फिर यहाँ पे स्टेटस में आपका जो रिफंड का स्टेटस है वो दिखाएगा। जैसे मेरे केस में दिखा रहा है, रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। तो इसमें आपको आपका जो बैंक अकाउंट का पासबुक है उसको अपडेट करना है, उसमें चेक करना है कि रिफंड का पैसा जो है वो कैसे आया है या कौन से डेट में आया है। और यहाँ पे डेट देखिए 30 सितंबर 2021 है, तो आप जो पासबुक है उसमें 30 सितंबर यानी 13 सितंबर या उसके बाद का कोई भी डेट चेक कर लीजिए, तो आपका जो अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस अकाउंट नंबर पे आपका रिफंड जो है क्रेडिट हो चुका है। तो अगर आपका स्टेटस में ऐसा दिखा रहा है कि रिफंड इज अंडर प्रोसेस, तो आपको उसके लिए केस में थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसका रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।